हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में क्या खास है, क्या सिखाने वाला हूँ, आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है। अब ये जो एम्प्लॉय कोड है, अगर आप यहाँ से चूज करते हैं, ड्रॉप डाउन पे जाते हैं और आप यहाँ पे चूज करते हैं कोई एम्प्लॉय कोड, ठीक है, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड अप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा एम्प्लॉय कोड इसी में से चूज कर लीजिए आप, वो भी अप्लाई हो जाएगा, जो भी आप चूज करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। ये अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। क्या इसमें आप खुद से कोई कोड एंटर कर सकते हैं? यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ER555। अब ये इसके अंदर कोई कोड ऐसा लिखा नहीं हुआ है, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये कहेगा देयर वाज अ प्रॉब्लम, कह रहा है कि आप केवल ER001, ER002, ER0012, ER0013 यही लिख सकते हैं, क्योंकि यही आपने ड्रॉपडाउन में बनाया है। अब ये ड्रॉपडाउन में कैसे बना हुआ आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। वैलिडेशन हटाने का तरीका क्या होता है, यहाँ डेटा पर जाएंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाइए और यहाँ से जाकर के और रिमूव वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। ध्यान रहे कि जहाँ से वैलिडेशन हटाना चाहते हैं वो पहले से सेलेक्ट होना चाहिए, और रिमूव वैलिडेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेशन हट गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे कैसे, तो इसी पार्ट को सेलेक्ट रखिए, सब कुछ हटा दीजिए, यहीं पे क्लिक रखिए, यहीं पे वैलिडेशन लगाना है, डेटा टाइप पे जाइए और डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए। जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो ये लिस्ट ऑफ रेंज यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम कर दीजिए। आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ आइटम कर देना है, बस यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम कीजिए और यहाँ पर जो लिखना है वो लिखिए, लाइक ER001 कॉमा दीजिए ER002, फिर कॉमा दीजिए ER003, ठीक है, फिर कॉमा दीजिए ER004, फिर कॉमा दीजिए ER005, ई आएगा, ठीक है। और यहां से आपको क्या करना है, शो वार्निंग पे नहीं क्लिक करना है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेडियो बटन रिजेक्ट इनपुट का दिया हुआ है इस पे आप टिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए, बस काम हो गया है। यहां से जो चूज करेंगे वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ER005 चूज किया है मैंने। अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि इसको हटा दूँ और यहाँ कुछ और लिख दूँ तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखिए तुरंत रिजल्ट इनपुट आ जाएगा, तो ये रिजल्ट इनपुट वाला इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है।